बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण पार्ट 6 विशेषण पढ़ेंगे। आप लोग विशेषण जो है नीचे कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं और आपकी किताब में देखिए यहाँ पर दो तस्वीर दी गई है। पहले कि बालिका जो है नए कपड़े पहने हुए हैं और ये बालक जो है एक जूते की खरीदारी की है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि राधा ने नए कपड़े पहने हैं, अभिनव ने सफ़ेद जूते खरीदे हैं। तो ब्लू इंक से जो लिखी गई है शब्द नए और सफ़ेद, यहाँ पर जो है ये जूते की नए और सफ़ेद शब्द जो हैं कपड़े और जूते की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द जो हैं विशेषण है। यहाँ हम लोग विशेषण की परिभाषा को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य को देखेंगे, जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। फिर से देखिए, जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, सविता ताजी सब्जियां खरीदती है। यहाँ पर ताजी, ये जो ताजी है वो विशेषण है और सब्जियां जो है विशेष्य है। मैंने सफेद तोता देखा, सफेद विशेषण है, तोता विशेष्य है। भावना ने ठंडी आइसक्रीम खाई, ठंडी विशेषण है और आइसक्रीम विशेष्य है। यहाँ पर हम लोग निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम पदों की अलग अलग प्रकार की विशेषताओं का बोध कराने वाले विभिन्न विशेषण पदों को ध्यान देंगे और उनके सामने लिखी उनकी विशेषताओं को भी और भाववाचक संज्ञाएं जो हैं उनको भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए वाक्य है, जाति वाचक संज्ञा है, संज्ञा जाति वाचक है, संज्ञा जो भाववाचक है और विशेषण है। इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको विशेषण को समझा रही हूँ। मोटा आदमी मोटापे के कारण होता है। हम लोग दुबले आदमी को तो मोटा नहीं बोल सकते हैं, जिस व्यक्ति थोड़ा थुल या मोटा रहता है उसको हम लोग मोटा आदमी बोलते हैं। और यहाँ पर मोटा जो है आदमी जो है संज्ञा हो गया, जातिवाचक, भाववाचक हो गया मोटा, मोटापा, और विशेषण हो गया मोटा। उसी प्रकार अपनी अच्छाई के कारण मोहन अच्छा आदमी कहलाता है, जाति आदमी हो गया, अच्छाई हो गया संज्ञा भाववाचक, और अच्छा जो है विशेषण हो गया। वे अनेक बंदर कूद रहे हैं, अनेकता के कारण ही वे अनेक हैं। यहाँ बंदर हो गया जाति, संज्ञा हो गया अनेकता, और अनेक विशेषण। चमक के कारण तारा चमकीला है, तारा जो है जातिवाचक हो गया, चमक भाववाचक हो गया, और चमकीला जो है विशेषण हो गया। उसी प्रकार गर्मी के कारण मौसम गर्म कहलाता है, तो गर्मी के कारण मौसम गर्म कहलाता है, तो मौसम जो हो गया यहाँ पर जाति हो गया, भाव हो गया गर्मी, गरम हो गया
विशेषण। कोई विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बोध कराता है वह विशेषण कहलाता है। अब हम लोग विशेषण के भेद को देखेंगे। विशेषण के भेद, विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग, दशा, आकार और स्वभाव आदि विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर ईमानदार नौकर ने उधार वापस कर दिया, बालिका ने पीली फ्रॉक पहनी, वह मीनार बहुत ऊंची है। यहाँ पर ईमानदार, पीली फ्रॉक, पीली और ऊंची, मतलब अपने मीनार जो है गुण और रंग और आकार का बोध कराता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण या नाप तौर आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, वह कपड़ा 2 मीटर है, रवि के पास 5 किलो चीनी है, गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डलवा देना। यहाँ पर देखिए, 2 मीटर, 5 किलो, 2 लीटर, क्रमशः कपड़ा, चीनी और पेट्रोल का परिमाण यानी नाप तौल और मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। पर अब है परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं। पहला है निश्चित और अनिश्चित। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित माप या तौल का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, 5 किलो आटा लाई हूँ, मतलब निश्चित बोल रही हूँ कि ये आटा जो है बिल्कुल 5 किलो का ही है, और ये 2 लीटर का दूध का पैकेट है, या ये दूध जो है सिर्फ 2 लीटर ही है, ये निश्चित रूप से मैं बतला रही हूँ कि ये 2 लीटर का ही है, और इसलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप या तौल का बोध नहीं कराते हैं वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। राम ने थोड़ी सी खीर खाई, यहाँ पर राम को खाने के लिए खीर दिया गया है, लेकिन राम ने कितना खाया, थोड़ी सी, इसका लेकिन हम लोग बिल्कुल परिमाण या क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं कि राम ने कितनी खीर खाई। उससे अधिक दूध दे दीजिए, यहाँ दूध भी देना है तो अधिक देना, लेकिन कितना देना है वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके पास 2 कारें हैं, राम के पास कुछ किताबें हैं, राधा के 7 भाई हैं। यहाँ पर 2, कुछ, 7 क्रमशः कार, किताब, भाई की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण,
कविता के पास 2 कंप्यूटर है, उसके पास 5 चिड़िया है। यहाँ पर देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संस्थित संख्यावाचक कहते हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 संख्या का बोध करा रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके पास कई पेन हैं, रेलगाड़ी में कम यात्री हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, जिन वस्तुओं की गिनती हो जाती है उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, जिन वस्तुओं की गिनती नहीं होती है, केवल नापा या तौला जाता है, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं, संख्यावाचक है और परिमाणवाचक है। 2 कंप्यूटर, परिमाण जो है 2 मीटर कपड़ा, 5 चिड़िया, 5 किलो चीनी, कई पेन, थोड़ा पानी, अनेक यात्री, अधिक धन, 4 दिन, थोड़ी सी खीर। चौथा है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और विशेषण का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका एक अन्य नाम संकेतवाचक विशेषण भी है। उदाहरण, यह बस कानपुर जाएगी, वह लड़का चित्र बनाएगा। फिर से समझिए इसको, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और विशेषण का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, सर्वनामिक विशेषण जो है और संकेतवाचक है। यह बस जो है कानपुर जाएगी और वह लड़का, संकेत में बोल रहे हैं, वह लड़का जो है चित्र बनाएगा। अब हम लोग सर्वनाम और सर्वनामिक में अंतर देखेंगे। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, परंतु जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम जो है यह कहाँ जाएगी, कोई आया है, सर्वनामिक जो है यह बस कानपुर जाएगी, कोई लड़का आया है। यहाँ पर जो है सर्वनाम शब्द का संज्ञा शब्द की विशेषता को प्रकट कर रहा है। विशेषणों की तुलना, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था उच्च, उत्तरावस्था इसमें तारा लग जाएगा, तर, उच्चतर, उत्तम, उच्चतम, सरल, सरलतर, सरल, सरलतर और सरलतम। मूलावस्था जो है इसमें किसी से तुलना नहीं होती है, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, और उत्तरावस्था है जो इसमें 2 की तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताते हैं, जैसे राम श्याम से अधिक अच्छा है। और उत्तम अवस्था, इसमें 2 से अधिक के गुण दोष को बताकर एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे
राम सब बालकों से अच्छा है, वह सर्वोत्तम है। यहाँ पर इस तालिका को आप लोग रीड कर लेंगे और क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आपके पाठ में यहाँ पर विशेषण की परिभाषा दी गई है, यहाँ पर विशेषण की परिभाषा दी गई है, इसको आप लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिमाणवाचक विशेषण ये भी आपकी किताब में है, परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। परिमाण या परिमाणवाचक विशेषण को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की परिमाण तथा नाप तौर मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण का दिया हुआ है और संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, ये दोनों भी आपकी किताब में दी गई है। विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे, उसको भी आप लोग अपनी किताब से खोज के लिखिएगा। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, यहाँ पर लिखिएगा। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं, देखिए यहाँ पर दी गई है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। निम्नलिखित विशेषण शब्दों की संग उत्तरावस्था उत्तमावस्था लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है और ये तालिका के द्वारा आप लोग इसकी सहायता से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। विशेषण से संबंधित एक एक वाक्य लिखिए, गुणवाचक, निश्चयवाचक, इसे ये भी आप लोग अपने किताब इधर पाठ की सहायता से आप लोग ढूंढ करके लिखिएगा। सारे प्रश्नों का हल, सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही सरल हैं, इसलिए आप लोग स्वयं कीजिए और जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पत्र लेखन के नियम को देखेंगे, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा और सारा होमवर्क जो है हिंदी व्याकरण कॉपी में ही बनाइएगा।